आज की कक्षा में आपका स्वागत है। निवेदन है कि पाठ्यक्रम को पूरा देखें और पूरी समझ के साथ अभ्यास क्रम से जुड़ें। आज हम रागों में लगने वाले स्वरों के प्रकार के बारे में जानेंगे। किसी भी राग में लगने वाले स्वरों को उनके उपयोग और उनकी महत्ता के आधार पर तीन श्रेणियों में बांटा गया है, तीन प्रकार का माना गया है। इसमें पहला प्रकार है राग का वादी स्वर। किसी भी राग का वह एक सबसे महत्वपूर्ण स्वर उस राग का वादी स्वर कहलाता है जिसकी महत्ता उस राग में सबसे अधिक होती है। इस स्वर को गायन वादन में प्रमुखता से प्रयोग में लिया जाता है। अत्यधिक प्रयोग के साथ साथ इस स्वर पर अधिक ठहरा भी जाता है। वादी स्वर को राग का राजा स्वर, अंश स्वर, जीव स्वर या प्रधान स्वर भी कहते हैं। वादी स्वर का महत्व इस प्रकार समझें कि दो रागों में समान स्वर लगने के बावजूद भी वादी स्वर के भिन्न होने से दोनों राग एक दूसरे से भिन्न हो जाते हैं। वादी स्वर से ही किसी भी राग का गायन वादन समय का अनुमान लगाया जाता है। राग में लगने वाले स्वरों में दूसरा प्रकार है राग का समवादी स्वर। राग में इसका प्रयोग वादी स्वर की अपेक्षा कम और अन्य स्वरों की अपेक्षा अधिक होता है। वादी स्वर के अनुसार ही किसी भी राग में समवादी स्वर एक ही होता है। इस प्रकार यह राग का दूसरा महत्वपूर्ण स्वर कहलाता है। यह स्वर हमेशा वादी स्वर का सहयोगी होता है, इस कारण इसे वादी का सहायक स्वर भी कहते हैं। राग में वादी और संवादी स्वरों में चार या पांच स्वरों की दूरी होती है। स्वरों का तीसरा प्रकार अनुवादी स्वर है। राग में वादी और संवादी के अतिरिक्त लगने वाले अन्य सभी स्वर उस राग के अनुवादी स्वर कहलाते हैं। ये सभी स्वर वादी और संवादी का अनुसरण करते हैं। इसे बार बार सुनकर अच्छी तरह समझ लें ताकि आगे के पाठ्यक्रम में जब भी इसकी चर्चा हो आप आसानी से समझ सकें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर ऑल वीडियो सेलेक्ट करें जिससे हमारा पाठ्यक्रम आपको समय से मिले और आप इसका लाभ उठा सकें। यह वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करें। आज की कक्षा में इतना ही। धन्यवाद।